Now I request the Honourable Shri Harshvardhan Ji, Minister of Health and Family Welfare, Government of India, to kindly address the gathering. ਮੈਂ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੋ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਮੇਰੀ प्रिय साथी कैबिनेट में नरेंद्र मोदी जी की आपकी लोकप्रिय सांसदा बहन हरसिमरत कौर बादल जी मंच पर विराजमान हमारे पंजाब के मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ के मिनिस्टर प्रिय भाई ओम प्रकाश सोनी जी पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और फिरोजपुर के सांसद संसद में मेरे साथी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भाई सुखबीर सिंह बादल जी हमारे संसद में राज्यसभा में वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री बलविंदर सिंह बुंदर जी यहाँ इस एम्स को अभी मेंटर की तरह हमारी पीजीआई चंडीगढ़ की इंस्टीट्यूशन जो पिछले कई सालों से मदद कर रही है उसके डायरेक्टर हमारे मेडिकल प्रोफेशन के साथी प्रोफेसर जगत राम जी और जो बहुत ही देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर है बहुत वर्षों तक सेवा की एम्स में चंडीगढ़ पीजीआई में दूसरे अनेक वरिष्ठ स्थानों पर प्रतिष्ठित स्थानों पर ऐसे प्रोफेसर के तलवार फरीदकोट बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राज बहादुर जी यहाँ पर उपस्थित भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुनील शर्मा जी डी के तिवारी जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन पंजाब डी श्रीनिवासन जी डॉक्टर समीर अग्रवाल जो नोडल ऑफिसर हैं और राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनका प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहे हैं दयाल सोढ़ी जी जो बीजेपी के हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट विनोद बिंटा जी मंच पर और बहुत सारी महान हस्तियां बैठी हैं सामने भी बहुत सारे एमएलएज पुराने एमएलएज बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं मैं उन सब से क्षमा मांगता हूं कि मैं समय की मर्यादा के कारण सबके नाम जानता भी नहीं और सबके नाम ले भी नहीं पा रहा हूं लेकिन मैं हृदय से आभारी हूं कि आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए हैं बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के हमारे बुजुर्ग आज के इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देने आए हैं माताएं आई हैं बहनें आई हैं नौजवान आए हैं मीडिया के दोस्त आए हैं मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि आज का ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भटिंडा के ओपीडी का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है इस कार्यक्रम को आपने यहाँ गुरुओं के आशीर्वाद के साथ प्रारंभ किया है मुझे ख्याल नहीं कि किसी एम्स के अंदर जो है गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ से जो है उस एम्स को उस एम्स के डॉक्टरों को वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को और वहाँ के मरीजों को गुरुओं के आशीर्वाद से कोई इस प्रकार से एम्स का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ हो और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो भी काम गुरुओं के आशीर्वाद से शुरू होता है उसको पूरी सफलता मिलती है वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है वो चरम सीमा तक पहुंचता है सफलता की और इसलिए ये जो एम्स भटिंडा है ये आने वाले वर्षों के अंदर
ये खाली देश में ही नहीं सारे संसार में इसको प्रतिष्ठा मिले, ऐसी मैं आज भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, ऐसी मैं कामना भी करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुओं के आशीर्वाद से ये उसी प्रकार से इस एम्स भटिंडा को यश मिलेगा। मेरे लिए ये क्षण बहुत खुशी का क्षण इस कारण से भी है कि मुझे याद है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जिस तरह से हरसिमरत कौर जी मंत्री बनी थी कैबिनेट की, मैं भी उन्हीं के साथ, मैं तो पहली बार संसद में आया था, उससे पहले मैंने 5 विधानसभा के चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन पहली बार संसद में आया था। और संसद में आने के बाद पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना था केंद्र में, और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो कुछ शुरुआती फैसले हम लोगों ने किए देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, उसमें उस समय हम लोग बड़े श्रद्धा भाव से अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते थे। और जब अटल जी 20 साल पहले पहली बार, यूं तो 96 में वो बने थे देश के प्रधानमंत्री, 13 दिन के लिए, उसके बाद 13 महीने के लिए बने, उसके बाद जब पूरे 5 साल रहे 98-99 में, उस पीरियड में जब देश में सुषमा स्वराज जी देश की स्वास्थ्य मंत्री थी, आज वो हमारे बीच में नहीं, हम लोगों को दुख है, तब अटल जी ने पहली बार ये फैसला किया था कि देश में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हमने संख्या को बढ़ाना है, और वो संख्या 1 से 6 हुई थी, और उस बाकी 5 स्थानों पर कहाँ कहाँ एम्स हो उसकी सारी प्रक्रियाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में शुरू हुई। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो यूं तो समाज जीवन के हर क्षेत्र में समाज जीवन की प्रॉब्लम्स को डायग्नोसिस करना, वहाँ की बीमारियों को, तकलीफों को डायग्नोसिस करना, और उसके अनुरूप अलग अलग क्षेत्र के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाना, उसके लिए विजन के साथ काम शुरू करना, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, इस लक्ष्य को लेकर उन्होंने बहुत जज्बे के साथ काम शुरू किया था। और उस जज्बे वाली सोच के अंदर एक शुरुआती सोचों में एक ये भी सोच थी कि जो संख्या अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 से 6 की, हमको भारत के हर स्टेट के अंदर कम से कम एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है इसको विकसित करना है। और अगर मुझे ठीक से स्मरण है तो हमारी इस घोषणा के बाद देश के अंदर बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री मुझको मिलने के लिए आया करते थे, ये 2014 के शुरुआती महीनों की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी समय में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जो बहुत बार, कम से कम शायद आधा दर्जन बार तो वो मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी हम उनका इंतज़ार कर रहे थे कि उनका आज हमें आशीर्वाद मिलेगा, श्री प्रकाश सिंह बादल जी, वो मुख्यमंत्री होते हुए स्वयं जो है निर्माण भवन में मेरे को आकर मिले थे, और उन्होंने उस समय पंजाब के अंदर जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हम देना चाहते हैं उसके संदर्भ में भटिंडा के बारे में ये रिक्वेस्ट की थी। और इसकी भटिंडा एम्स की जो नींव है ये उस वार्तालाप के अंदर जो है पैदा हुई थी, जो आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी के और हमारे बीच में हुआ, बाद में उसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग हुई, इसके लिए ज़मीन वगैरह हमने कहा अब जैसे ही ज़मीन इत्यादि हमको देंगे उसके बाद हम लोग सारी प्रोसेसिंग करेंगे। और आज दुर्भाग्य से हमारे नेता श्री अरुण जेटली जी भी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जब इसके लिए सारे पैसे और ये सारी चीज़ें सेंक्शन की तो फिर 2016 के अंदर ये एम्स भटिंडा जो है इसकी योजना आगे बढ़ी। मैं 2014 के बाद
हेल्थ मिनिस्ट्री से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में और अर्थ साइंसेज मिनिस्टर के रूप में मैंने काम करना शुरू किया, और 2019 में वापस मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंसेज के साथ साथ ये स्वास्थ्य मंत्रालय दिया। इस 5 साल में लगातार आपकी लोकप्रिय सांसद बहन हरसिमरत कौर जी इस विषय को परस्यू करती रहीं, और वो ठीक कह रही थी। वो जो कई लोग सोचते होंगे कि वो ऐसे भाषण देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि पीछे पड़ जाती हूँ, तो वो सही में जो है, जो मुझे लगता है कोई स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद कोई मेरे पीछे सबसे ज़्यादा पड़ा होगा तो यही पड़ी होंगी, और कोई शायद इतना नहीं पड़ा होगा पूरे देश में। एक विषय को लेकर सभी लोग अपना विषय परस्यू करते हैं, लोग एक बार बताते हैं, दो बार बताते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, दो बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये शायद मुझे लगता है हर हफ्ते में कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं, कैबिनेट मीटिंग के शुरू में यही कहना, कैबिनेट मीटिंग के बाद में भी यही कहना कि कब शुरू होगा, कैसे होगा, ये करिए, वो करिए, इसको फ़ोन करिए, उसको करिए, ये लगातार करती रहें। और बहुत खुशी की बात है कि लगातार हमारे सभी अधिकारियों ने भी हम लोगों को मदद किया, जो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं, दूसरे लोग, उन्होंने भी हम लोगों को मदद किया, और आज इस बात की भी हमें खुशी है कि ये 2020 के अंदर अभी जब डॉक्टर हमारे जगत राम जी कह रहे थे कि 2020 में उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो मैं समझता हूँ कि इसको लगातार अभी आज से आगे इसको हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, इसकी टाइमलीनेस को मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि जो है 2020 के अंदर, आज तो मैं देख रहा हूँ कि जो पता नहीं ठंड ज़्यादा है या पीछे इन्होंने कवर ठीक से नहीं किया है, लोगों को आज उतनी खुशी नहीं है, क्योंकि ताली वाली कोई नहीं बजा रहा है इसके ओपीडी के खुलने की। तो मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, जब ये पूरा का पूरा इसको उद्घाटन करने के लिए 2020 में आएंगे, तब आपको कहेंगे कि भाई तब अच्छी तरह से अपनी खुशी को व्यक्त करो, आज थोड़ा सा इन्होंने ठंड के अंदर कार्यक्रम रख दिया है, इसलिए जो है वरना बहुत। और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये खाली एक एम्स भटिंडा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो बहुत व्यापक है, और हरसिमरत कौर जी ने भी देखा है उनकी सोच को, कैबिनेट में उनको महसूस किया हम लोगों ने, जो भी काम गरीबों की मदद के लिए हो, गरीबों के उत्थान के लिए हो, गरीबों के स्वास्थ्य की, शिक्षा की, उनके पोषण की, उनके स्वाभिमान की, इन सब चीज़ों की रक्षा के लिए हो, उसके लिए गरीब कल्याणकारी योजना को बनाना, उसको पूरी मदद करना, उसको पूरा सपोर्ट देना, उसको पूरी गहराई और सच्चाई और जज्बे के साथ उसको मॉनिटर करना, और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, कोई भारत में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री कम से कम हुआ होगा जो अपनी बनाई हुई योजनाओं को स्वयं अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठकर और 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, अभी 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई है जो लगभग 9 घंटे लगातार चली, 9 घंटा, आप में से किसी को शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी कोई फैसला कहीं पर भी किया गया, छोटे से लेकर बड़ा तक, किसी भी विषय से संबंधित, उसको लगातार सारे मंत्रियों के बीच में उसका जो फुल स्टॉप और कॉमा है उसको भी मॉनिटर करते हैं, उसको भी देखते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमने देश में बहुत महान प्रधानमंत्री देखे, लेकिन ऐसा अजूबा, ऐसे जज्बे वाला, ऐसी दूरदृष्टि वाला, ऐसा कर्मठ, ऐसा योग्य और ऐसा ईमानदार, और गरीबों के लिए, जिसको लोग कहते हैं कि गरीबों का मसीहा, मैंने स्वयं ऐसे लोगों के, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए, जिन लोगों ने आयुष्मान योजना के अंदर लाभ उठाया, उन्होंने एक दफ़ा हम लोगों को कहा कैबिनेट में, हमें भी विशेष रूप से पर्सनली कहा कि जब तो मैं स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं था, कि ऐसे लोगों के पास जाओ जिनको आयुष्मान से
कुछ इलाज मिला है और उनकी क्या तकलीफें हुई, उसको इलाज लेते हुए उसके अंदर से क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, इस एंगल से जाओ। और हमने जाकर उनके इंटरव्यूज़ वगैरह लिए तो लोग कहते थे कि हमने उन इंटरव्यूज़ को जो है ट्विटर के ऊपर, दूसरे जगहों पे, सोशल मीडिया पे उनको जो है डाला और कोई भी उनको देख सकता है। लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी आंखों में आंसू निकाल के, भावुक होके, कोई मुस्लिम भाई की पत्नी कहती है कि मेरा शौहर की तो जान इसलिए बची क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा मसीहा उसने मेरे को आयुष्मान योजना से लाभ दिया। यंग औरत को मैंने कहते हुए सुना नरेंद्र मोदी मेरे लिए भगवान है। और वो एक एक काम को बड़े जज्बे के साथ करते हैं, उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं। आप विश्वास करेंगे कि आज वो 6 एम्स जो हैं, आज हम देश में 22 एम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें से 6 तो पूरी तरह से फंक्शनल होके शुरू हो गए और लगभग सब इसी स्थिति में है कि कोई थोड़े दिन के बाद पूरी तरह हो जाएगा, कोई थोड़े दिन के बाद, और ज़्यादातर जगहों पे ओपीडीज शुरू हो गई हैं। वेरियस फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में 22 एम्स पर काम कर रहे हैं। आज इस समय भारत में पिछले 5, अभी ये आधा साल इसका नए टर्म का उनका बीता, 5.5 साल में 157 नए मेडिकल कॉलेज, शायद देश के इतिहास में कभी ऐसा कोई जो है प्रधानमंत्री नहीं, 2014 और 2019 के बीच में अगर मैं बात करूं तो 157 मेडिकल कॉलेजेस नए स्थापित करके। और जब देखते कि देखा कि भाई नए मेडिकल कॉलेज के लिए मान लीजिए रिसोर्सेज की हमें कमी है, तो योजना इस प्रकार की बनाई कि जहां जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम कैसे मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित कर सकते हैं लैंड को और साथ में उसके जोड़कर। तो पहले 82 के ऊपर अलग अलग फेजेस में ऑलरेडी काम चल रहा था और इस 6 महीने में पहले 7 दिन के, पहले 100 दिन के अंदर आके शुरुआती कैबिनेट फैसलों के अंदर ये फैसला किया गया कि 75 और नए मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, यानी इस 157 में अभी 75 का फैसला किया। और ये भी फैसला किया कि ये 75 मेडिकल कॉलेज देश के उन डिस्ट्रिक्ट्स में खोलेंगे जिनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, यानी जहां गरीबों में भी सबसे ज़्यादा गरीब जो ज़िला रह गया है, सबसे ज़्यादा देश के अंदर पिछड़ गया है वो ज़िला, जहां देश के अंदर जो उनको हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सारे पैरामीटर्स के हिसाब से सुविधा नहीं मिली है। तो यही क्राइटेरिया रखा, पहले तो क्राइटेरिया ये रखा कि बिना किसी भेदभाव के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जिसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं चैलेंज मोड के अंदर ये हम 75 मेडिकल कॉलेजेस देंगे, क्योंकि इनके लिए टारगेट है कि जब नया भारत भारतवासियों को देना है जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 में, तो ये 75 नए मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से डेवलप हो सके। अभी आप देखिए कि इस सरकार को आए हुए कितने दिन हुए हैं दूसरी बार जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं, 75 मेडिकल कॉलेजेस का फैसला किया, उसके क्राइटेरियाज तय किए, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को चिट्ठी लिखी, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ परस्यू किया, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में लोगों ने अपने अपने प्रपोजल बना के भेजे और उसके लिए लैंड के बारे में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजी। आज 75 में से 49 मेडिकल कॉलेजेस तो हम सैंक्शन करके उन स्टेट्स को बता चुके हैं, ये लो पैसा, अपना काम शुरू करो, 2022 तक मेडिकल कॉलेज शुरू करना है। इसी तरह से आपने देखा जैसे कि यहाँ के कपूरथला और मोहाली के बारे में अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बात किया, उन्होंने कहा होशियारपुर के बारे में भी, वो मैं वापस जाऊँगा तो मैं जाके देखूँगा कि उसकी क्या स्थिति है। और बिना किसी, यानी आप अगर देखेंगे इन 49 का भी आप ब्रेकअप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ऐसा नहीं कि कोई ये कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है या नॉन, मेरा ख्याल से राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ की दूसरी सरकारें होंगी, तमिलनाडु के अंदर जो है, कई स्थानों पर जिसने भी मेहनत की, जिसने ईमानदारी से प्रयास किया और जिसने ये हमें सिद्ध करके दिखा दिया कि ये मेडिकल कॉलेज हम उन इलाकों में खोलने के लिए तैयार हैं जहाँ गरीब से गरीब लोग रहते हैं, तो वो मेडिकल कॉलेज तुरंत सैंक्शन हो गया। 75 स्थानों पर देश के अंदर एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के अंदर, आपके जो पंजाब के अंदर मैं जहाँ तक मुझे ख्याल है अमृतसर और जो आपका पटियाला है, ये दो जगह ऐसी है जहाँ की सुपर स्पेशलिटी विंग्स जो है, यानी कि अपग्रेडेशन ऑफ सर्विसेज, इसके ऊपर जो है काम हो रहा है।
और फिर खाली यही नहीं कि ये बड़े 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 अस्पताल, इनके साथ साथ देश के अंदर जो आयुष्मान भारत योजना है, आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है 5 लाख रुपए तक की सुविधा, और देश के कम 20,000 अस्पतालों में, और कहीं पर भी जो है मरीज चला जाए देश में किसी भी अस्पताल में, चाहे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन वो उस योजना के तहत एलिजिबल है, पोटेंशियल बेनिफिशरी है, तो किसी भी अस्पताल में एंट्री करके अपना जो है वो जब नाम और नंबर वगैरह देता है तो उसका इलाज तुरंत बड़े से बड़ी बीमारी का शुरू हो जाता है। पिछले लगभग एक साल के अंदर इस आयुष्मान योजना में ऑलमोस्ट 70 लाख के करीब जो है, 66 और 70 के बीच में एग्जैक्ट है क्योंकि रोज़ डाटा बदलता रहता है, इतने मरीजों की हम सेवा कर चुके हैं। और खाली ये नहीं, पूरे देश भर में सारे ग्रास रूट लेवल पर 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का क्रिएशन हो रहा है, जिसमें से कि 40,000 की संख्या तो अभी 31 मार्च तक पूरी हो जाएगी, लगभग 25,000 जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ऐसे हैं कि गरीब से गरीब आदमी के लिए इलाके के अंदर जो है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स, इनको परिवर्तित करके विकसित किए जा रहे हैं, जहाँ बीमार होने पर फ्री दवाई, फ्री डायग्नोस्टिक और जो है बाकी सारी चीज़ें फ्री होने के साथ साथ बीमारी समय से पता लग जाए, इसके लिए कैंसर सर्विक्स, कैंसर जो है मुंह का कैंसर और उसके साथ साथ ब्रेस्ट का कैंसर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की दवाई, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़, 5 चीज़ों के बारे में तो बड़े पैमाने पर हम इन सेंटर्स के माध्यम से देश में स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और अभी अगर उसकी आप संख्या देखेंगे तो वो भी 1-1 करोड़, 50-50 लाख, 72-72 लाख जो है इस तरह से लोगों को जो है स्क्रीन करके समय से पहले बीमारी को डायग्नोज करके उसका इलाज शुरू किया जाए, ये सारी की सारी व्यवस्थाएँ। यानी हर एक विषय के ऊपर, अभी मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें, टीबी, सारी दुनिया ने कहा कि टीबी को 2030 तक ख़त्म करना है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी ताकत के साथ इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमें 2025 तक, जिस प्रकार से भारत में हम सब लोगों ने मिलकर चेचक और पोलियो का खात्मा किया, वैसे हम जो है इस देश को टीबी से मुक्त करेंगे। और खाली मुक्त करने के लिए स्लोगन नहीं दे दिया, आज उसके लिए उतनी व्यापक प्रयास हो रहा है कि सारे देश के अंदर जो है 1 मिनट के अंदर जो है, आप समझिए कि रिमोटेस्ट सेंटर के ऊपर अगर टीबी का सस्पिशन है तो एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट लगा दिए गए हैं जिनकी मदद से पहली बार के टेस्ट में ये पता लग जाता है कि क्या साधारण दवाइयों से ठीक होने वाली टीबी है या दवाइयों के लिए रेजिस्टेंट टीबी है। और ये दवाइयों के लिए जो रेजिस्टेंट टीबी है, इसका इलाज एक मरीज का 1 लाख रुपये तक का खर्चा होता है। आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा, आपको सुनकर खुशी भी होगी कि पूरे देश में टीबी का कोई भी मरीज, चाहे वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, चाहे दूसरी टीबी है, वो चाहे सरकारी व्यवस्था में इलाज करा रहा हो, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज करा रहा हो, प्राइवेट डॉक्टर के लिए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, उसका इलाज पूरा का पूरा भारत सरकार वहन करती है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं पंजाब के, वो जानते हैं इस बात को। और एक एक करके सारी बीमारियों के ऊपर हम लोग, पहले लोग खुश हो जाते थे कि 60-70% हमारे यहाँ वैक्सीनेशन होता है, हम इससे ही खुश हो जाते थे, लेकिन अभी हमने इस 5 साल के अंदर इंद्रधनुष योजना को शुरू किया, और अभी इंद्रधनुष का दूसरा वाला संस्करण अभी दिसंबर के अंदर शुरू हुआ है। हमारा ये कहना है कि अगर भारत सरकार 12 बीमारियों के खिलाफ टीके सारे देश में अगर लोगों को देती है, वो टीके मुफ्त निःशुल्क उपलब्ध हैं, हर बच्चे का वो राइट है, बर्थ राइट है कि उसको वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से लड़ाई लड़ने वाला वो टीका उसको मिलना चाहिए, और वो टीका अगर उसके अंदर से भी कोई बच्चे छूट जाते हैं, अगर भारत पूरी तरह से अपने 100% बच्चों को पोलियो की वैक्सीन देकर अपने देश को पोलियो के खिलाफ जंग में विजयी बना सकता है, तो हम 100% बच्चों को जो है वो टीका क्यों नहीं उपलब्ध करा सकते। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर ये इंद्रधनुष जैसी योजनाएं, कोई भी अभी जो गर्भवती महिला है उसके लिए अभी बड़ा व्यापक हमने सुमन कार्यक्रम शुरू किया है, मंत्री जी जानते हैं,
कि ये उसका इलाज गर्भवती महिला का ये उसका राइट है और ये उसको किसी भी तरीके से मिलना चाहिए, इसकी सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसकी बहुत सारी डिटेल है, उसको मैं या चर्चा नहीं करता, लेकिन जो भी डेथ गर्भवती महिला की प्रिवेंटेबल है वो नरेंद्र मोदी जी के राज में सारे देश के अंदर ऐसी एक भी महिला की डेथ नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रेगनेंसी है ये बून है, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये कर्ज नहीं बननी चाहिए या अभिशाप नहीं बननी चाहिए। तो एक के बाद एक इतनी सारी योजनाओं पे काम हो रहा है, कई सारी बीमारियां, काला आजार जैसी, लिम्फेटिक जो फाइलेरियसिस जैसी है, हेपेटाइटिस बी का जो बहुत बड़ा प्रकोप है, इसके खिलाफ जो ड्रग्स का, जो आपके पंजाब में तो ड्रग्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, ये सारी चीज़ों के संदर्भ में हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है बहुत गहराई से, बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। और खाली इसी फील्ड में नहीं अपितु अनेकों फील्ड्स के अंदर इसी दिशा के अंदर काम हो रहा है। मोदी जी को जितना ज़्यादा हम नज़दीक से देखते हैं तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये कोई ना कोई भारत के लोगों के ऊपर गुरुओं की कृपा हुई, देवी देवताओं की कृपा हुई कि भारत के लोगों को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि 2014 में और 2019 में उनको नरेंद्र मोदी जैसा कर्मठ जो है विजनरी प्रधानमंत्री मिला। ये वास्तव में इसमें कोई ज़रा सा भी इस स्टेटमेंट में अतिशयोक्ति नहीं है, जो नरेंद्र मोदी जी के काम करने के जज्बे को नज़दीक से देखते हैं उसको जो है मैं समझता हूँ समझ सकते हैं। आज बातें तो बहुत सारी हैं करने की, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ठंड लगी हुई थी, तो वो बहुत सारे लोग तो चले गए हैं, और अगर मैं ज़्यादा देर बोलता रहा तो आप लोग भी चले जाओगे, इसलिए आज आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन एक दो इम्पॉर्टेंट बातें मैं करना चाहता हूँ। जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो शुरुआती में पहले तो उनके पिताजी आए थे, इस बार जो है सुखबीर जी मेरे पास आए शुरू के अंदर ही, और वो लगातार परस्यू कर रहे हैं। जो उनकी फिरोजपुर का इलाका है वहाँ पर आने वाले समय के अंदर जो हमारा PGI है चंडीगढ़ का, अभी योजनाबद्ध तरीके से हम इसका एक सैटेलाइट सेंटर जो है पंजाब के अंदर बनाना चाहते थे, उसके लिए ज़मीन वगैरह भी हम लोगों ने एकत्रित कर ली, और अभी कुछ थोड़ी और ज़मीन की ज़रूरत थी तो वो भी पंजाब की सरकार से जो है अभी हमने रिक्वेस्ट करके और मंत्री जी ने भी यह घोषणा कर दी है, तो वहाँ हम बहुत जल्दी शुरुआत कर रहे हैं काम की। 450 करोड़ रुपया खर्चा करके फिरोजपुर के अंदर हम जो है ये PGI का सैटेलाइट सेंटर बनाएंगे। अब आप देख लीजिए कि आपके PGI भी आपके पास हो गया है, आपके पास ये AIIMS भी हो गया है, नए नए मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं दूसरे स्थानों पर, और भी अपग्रेडेशन हो रहा है, सारे रिमोटेस्ट एरियाज़ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर सारे देश के लोग और समाज के लोग ये सब मिलकर अगर स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास करेंगे, एक डॉक्टर होने के नाते भी मैं ये समझता हूँ कि स्वास्थ्य में खाली डॉक्टर के पास जाना, अस्पताल में जाना, इलाज के लिए दवाई लेना, टेस्ट कराना, ये स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। 90% स्वास्थ्य जो है हमारा, हमारी आदतों के अंदर अगर हम सुधार कर लें, हमारी आदतें हम अपनी स्वास्थ्यवर्धक बना लें, और इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में हम लोगों ने ईट राइट इंडिया बहुत बड़ा कैंपेन, क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, इसके बारे में जो है तरह तरह के प्रकल्प हमने शुरू किए हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया कैंपेन शुरू किया है जिसमें भारत सरकार के युवा मंत्रालय के माध्यम से उसके साथ साथ मिलके स्वास्थ्य मंत्रालय सभी लोग मिलके हर देशवासी फिट हो उसके लिए उसको कितना फिजिकल एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करना है, कितना उसके लिए जिम्स खोलने हैं, कितना उसके लिए पार्क खोलने हैं, कितने उसके लिए दूसरी चीज़ें करनी है। तो स्वास्थ्य को एक बड़ा जन आंदोलन हमने बनाना है, और इसके लिए जो है हम सब मिलकर देश के अंदर जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितने जिम्मेदार लोग हैं, और ख़ासकर चुने हुए प्रतिनिधि, वो अपने एक्शंस से, अपने लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट से समाज के लोगों को शिक्षित करें। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का सपना है हेल्थ फॉर ऑल, ये सपना, इसको साकार करने का जो सफल मॉडल है वो भारत के पास योग्यता भी है, क्षमता भी है, DNA भी है,
और भारत की विशेषता है कि भारत के पास 33 करोड़ देवी देवताओं का और गुरु नानक जैसे महापुरुषों का, गुरुओं का आशीर्वाद है। ये जो फैसिलिटी है ये दुनिया के दूसरे देशों के लोगों के पास, उन समाजों के पास नहीं है, ये हमारे पास विशेष रूप से है। और इसलिए जो है आज के इस अवसर पर आप सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और इस एम्स बठिंडा के बेहतरीन भविष्य के लिए और भारत नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप नई ऊंचाइयां प्राप्त करे, पहले न्यू इंडिया बने, उसके बाद वो विश्व गुरु भारत बने, उसके अंदर हम सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएं, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। थैंक यू सर। Now I request Professor Jagat Ram, Director PGIMS and AIIMS Bathinda to felicitate all the dignitaries on the dais. मैं सभा नु बेनती कर दी है कि हजे प्रोग्राम दे 5 या 10 मिनट है, तुसी कृपा करके अपनी सीटां ते बैठ जान। मैं जनसभा नु बेनती कर दी हां कि कृपा करके अपनी सीटां ते बैठ जान।